10 साल की बच्ची की उसके बॉयफ्रेंड से शादी कराई गई है। दोनों के परिवार ने इस समारोह का आयोजन किया। सबने खूब धूमधाम से इनकी शादी कराई है। इस लड़की का नाम एमा एडवर्ड्स था। वो बचपन से ही शादी करने के सपने देखती थी। उसके बॉयफ्रेंड डेनियल मार्शन क्रिस्टोफर ने स्कूल में शादी करने की कोशिश की थी, लेकिन टीचर ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। फिर 29 जून को ये बड़ा समारोह आयोजित किया गया। यहाँ इन्होंने शादी की। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये पूरा मामला कैलिफोर्निया का है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक 10 साल की बच्ची की अपनी बॉयफ्रेंड के साथ शादी करते हुए कुछ फोटोज छाई हुई हैं। अब अगर आपके मन में सवाल आया है कि आखिर ये क्या है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस लड़की का नाम एमा एडवर्ड्स है, जो कि एक कैंसर पेशेंट थी, और इस लड़की की आखिरी इच्छा अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना थी। आपको बता दें कि इस शादी के महज 12 दिन बाद ही एमा की ल्यूकेमिया से जान चली गई। एमा एडवर्ड्स 2022 में अप्रैल में लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया से पीड़ित हो गई थी। उसके माता पिता एलेना और एरन एडवर्ड्स को उम्मीद थी कि उनकी बेटी कैंसर को हरा देगी। ये बच्चों में होने वाला सबसे आम प्रकार का कैंसर है, लेकिन इसका इलाज भी संभव है। हालांकि जून में एमा के माता पिता को खबर मिली कि उसका कैंसर लाइलाज है और उसके पास जीने के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। डॉक्टर ने कहा कि वो इस मामले में अब कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद एलेना और डेनियल की मां ने अपने बच्चों की मॉक वेडिंग कराने की योजना बनाई। एलेना का कहना है कि इसे बहुत तेजी से करना था। हमने इसे 2 दिन से भी कम समय में कर लिया। सब कुछ डोनेशन से मिला था। ये काफी महंगा था और बहुत अच्छी तरह से किया गया। हमारे एक दोस्त ने मदद की। एक दोस्त ने बाइबल को पढ़ा। समारोह में 10 से अधिक लोग आए थे। एलेना ने अपने दामाद डेनियल के लिए कहा कि डीजे सबसे प्यारा है, जिससे आप शायद ही कभी मिले हैं। उसका दिल सोने का है और वो वास्तव में एमा से प्यार करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से भी जाना जाता है। ये ब्लड में मौजूद व्हाइट ब्लड सेल्स को अफेक्ट करता है। ल्यूकेमिया में बोन मैरो असामान्य व्हाइट ब्लड सेल्स को बहुत ज्यादा संख्या में बनाते हैं, जिन्हें ल्यूकेमिया सेल्स कहा जाता है। ब्लड में कैंसर युक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ने के कारण रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स को बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पाती। ये सामान्य कोशिकाओं की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ते हैं और इनका विकास रुकता नहीं है। इसके बाद खून में हेल्दी ब्लड सेल की कमी होने के कारण शरीर सामान्य तरीके से काम नहीं कर पाता है। अगर बात करें ल्यूकेमिया के लक्षण की, तो इसका सबसे पहला लक्षण है लगातार बुखार बने रहना, हड्डियों में दर्द रहना, नाक मसूड़े और मलाशय से लगातार ब्लीडिंग की समस्या होना, रात को सोते वक्त पसीना आना, महिलाओं में पीरियड्स के दौरान भी भारी ब्लीडिंग होना, भूख नहीं लगना, वजन कम होना, रात को सोते वक्त पसीना आना, बिना कुछ किए ज्यादा थकान महसूस होना, गला, कमर, हाथ के नीचे गांठ बनना या ग्रंथि में सूजन होना। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस बीमारी के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन अगर ल्यूकेमिया सही टाइम पर सही स्टेज पर डिटेक्ट हो जाए तो इसका इलाज हो सकता है। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।